छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने वाली राखी सावंत अपने बेबाक बड़बोलेपन और विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया जो लोगों के दिलों को छू गया। ग्रेट खली के साथ एक कार्यक्रम में लुधियाना पहुंची राखी ने कहा कि देश के हित के लिए वे अपनी जान भी दे सकती हैं। देश को अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वे 2000 बम लगाकर पाकिस्तान में कूद जाएंगी। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं द ग्रेट खली रेसलर से, जो आज यहाँ रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए स्पेशली लुधियाना में आए हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले बताइए आप यहाँ किस मोटिव से स्पेशली आ जाए हैं, जो सेकेंड को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है रेसलिंग से रिगार्डेड, तो वो किस लेवल पे हो रहा है? बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोग्राम होने जा रहा है और बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। सिबल सिटी, संधु नगर, IPS स्कूल लुधियाना में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग आइए जो जो सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और 2 मार्च को लुधियाना में हो रहा है और 9 को बठिंडा में हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और पूरा शो को एंजॉय करिए। कौन कौन सी कंट्री से स्पेशली यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं शो से? आ रही है अमेरिका और बाकी मोस्टली हिंदुस्तान से ही। हमने सुना है जो राखी सावंत है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्ट्रेस, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका दो सेगमेंट होंगे उनका। एक तो उन्होंने बदला लेना है, कहता भी बदला लेना है, कहता मेरी फाइट कराओ, तो एक तो फाइट करवाएंगे और बाकी उनका जो डांस परफॉर्मेंस होगा उनका, तो वो मतलब राखी मतलब एक डांस भी करेंगे और फाइट भी करेंगे। सर, अभी जैसे करंट हमने हमारे इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो स्टेप बिल्कुल ठीक उठाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही है, स्टेप बहुत सही है। और मेरे को ये लगता है कि भी उससे कोई फ़ायदा नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि जैसे बीमारी होती है ना कोई, जो कैंसर है अगर हम बोलेंगे इंजेक्शन लगा के छोड़ दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर को बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि उसको एक बार मतलब जड़ से ख़त्म करे, तभी उसका फ़ायदा होगा। तो केला मतलब अगर जंगल पे बम मारे, कोई आतंकवादी मरा या नहीं मरा, उसका तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब ना मैसेज दो डायरेक्ट कि भाई आओ आमने सामने, ये चोरी छुपे काम ना करिए। यार पता क्या है, वो हमेशा ब्लैकमेल करता है, पाकिस्तान हमेशा ब्लैकमेल करता है। एक काम जाता है, दूसरा काम पकड़ता है, एक करेंगे कुछ और कुछ करेंगे कुछ ना कुछ। जब तक अगर हिंदुस्तान को शांति पहुंचानी है तो उस पर अटैक और प्रॉपरली उसका सफाया ज़रूर करना चाहिए। मैं तो ये बता दूँ, जो जैसे बोलते हैं ना कि हज़ारों किलो के बम गिराए, वो जंगल पे ना गिराए, वो कराची और मतलब इस्लामाबाद पे गिराए, तब मज़ा आएगा। मतलब जंगल पे बम गिराएंगे तो पेड़ टूटेंगे, उससे कुछ नहीं होना। मतलब मेरे को नहीं लगता कोई बम बंदा मरा है कोई, मतलब मेरे को लग रहा है कि पेड़ को टूटे होने ज़रूर। और ये भी पता नहीं कि पाकिस्तान में मारे या हिंदुस्तान में मारे फोड़े हो भी नहीं। देखो मोदी का मोदी पे ब्लेम नहीं डालूंगा, मैं मोदी पे ब्लेम नहीं, ये मोदी पे हमला नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की जनता पे हमला है, पूरे हिंदुस्तान पे हमला है। मतलब कि मोदी का दोष नहीं है, मतलब मैं पॉलिटिकल मतलब ये नहीं बताऊंगा कि ये पॉलिटिकल ये पार्टी ख़राब है ये अच्छी है, ये हमारे हिंदुस्तान पे, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हमारे हिंदुस्तान पे हमला किया है और हिंदुस्तानियों को उनको जवाब देना चाहिए। ये नहीं मतलब कि ये BJP या कांग्रेस या मोदी या मतलब ऐसा कुछ नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि जो मतलब ये कैंसर है उसकी पूरी ट्रीटमेंट की जाए, जो उग्रवाद है इसकी पूरी ट्रीटमेंट करी जाए, जो पाकिस्तान है इसकी पूरी ट्रीटमेंट करी जाए। उनको ऐसे छोड़ेंगे ना, जैसे बोलते हैं ना कि अधमरा सांप होता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इधर इधर मतलब बम मारेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़्यादा खतरनाक मतलब। तो इसलिए आप मतलब पूरा उसको कराची में और मतलब इस्लामाबाद में फेंको, मतलब जहाँ थोड़ा उनको पता लगे मतलब।